एडिक्वेट पे ही क्लिक करेंगे, यानी कि उसको सबमिट करेंगे या उसको आंसर टिक करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में है? सर समझ में आई? फिर से बताओ। समझ गए, समझ समझ गई? गया। ओके। जो लोग अभी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, जो लाइव में है नहीं, वो नीचे आपको, नीचे या सेक्शन में कहीं तो भी आपको Q&A का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इफ नहीं समझ रही है तो वहां पे मेंशन कर दो, संडे को अपना डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, ये क्वेश्चन मैं फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है, जो भी लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हो वहां पे आपको Q&A का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप जो है क्वेश्चन नंबर जो है मेंशन कर सकते हो कि भाई ये जो है आपका जो अभी डायरेक्शन से इसका चल रहा था उसका क्वेश्चन नंबर 2 मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपना जो है क्वेश्चन नंबर 2 चालू है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको वहां पे मैं समझा दूंगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब भी नया समझे बता देना, क्योंकि मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुए तो चलते, बट क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप एक एक मिनट में भी सॉल्व कर सकते हो घर पे। ठीक है, चलो फिर से वही सिंबल बना लेते, अपना मार्क्स आने चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो भाई मैं इस आपको बता देता हूँ, ये चीज छोड़ो, मैं आपको बता देता हूँ एक चीज। ठीक है, कि अभी आप जो है 45 डेज, मतलब 45 नहीं, आपका 60 डेज का, यानी कि 2 मंथ्स का प्रोग्राम है। तो जो बच्चे लाइव देख रहे हैं अभी यहाँ पे है, उनका मैं गारंटी ले सकता हूँ कि उनका हो जाएगा प्लेसमेंट आराम से। अगर आप लेक्चर्स लाइव देखते हो तो कौन से लेक्चर्स मेनली, मतलब सभी लेक्चर्स लॉजिक एंड मैथ एंड प्रोग्रामिंग के आपका हो जाएगा। ठीक है, इन केस नहीं हुआ, नहीं हुआ सपोज, तो आप क्या हो सकता है कि भाई ठीक है, ये आपका कोर्स खत्म हो जाएगा डिसेंबर 15, बराबर है? अगर डिसेंबर 15 तक आपका जो है प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो आप ये रिकॉर्डिंग्स फिर से आप 15 जनवरी तक देख सकते हो, मतलब 1 मंथ तक और एक्सटेंड जो है, जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता तब तक आप जो है इसको ट्राई कर सकते हो। इफ हो सके तो, मतलब हो सकता है ना कि आप जो है सपोज 5 लोग देख रहे हो, ठीक है, 5 में से 4 का हो जाए और एक को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम आपको टेक्निकल इसमें सपोर्ट करेंगे, आपको इंटरव्यूज में सपोर्ट करेंगे, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है वह हम डाउट सॉल्व करेंगे। बिकॉज यू आर फर्स्ट बैच, इतने बच्चे हैं नहीं, 50-60 बच्चों को हम आराम से मेंटोर कर सकते हैं, जितने हैं उतने 50-60 लोगों को, उसमें से कुछ कुछ लोग जो लाइव आते हैं, बाकी सब रिकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो होता है, अभी सपोज यहाँ पे जनक हर रोज आता है, आस्तिक हर रोज आता है, तो ये लोग कैसे है, मैं इनसे इंटरेक्ट करता हूँ तो उतना बॉन्डिंग बनी जाती है, बट 2 दिन बाद अगर इन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इनको पर्सनली जो है उनका मेंटरशिप, मतलब उनको सपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे टेक्निकल में कोई प्रॉब्लम आई तो सर है मैम है कोई भी इनकी हेल्प कर देगा। तो जब आप लाइव लेक्चर में आते हो तो आपको जो है अलग से सपोर्ट मिलता है, ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आपका पॉसिबल नहीं है तो मत आइए, बट ट्राई करो कि लाइव आओ, क्योंकि बहुत बार बॉन्डिंग बन जाती है और मतलब हो जाता है अच्छे से प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमारा वही टारगेट है कि आप प्लेस होने चाहिए। ठीक है, फिर वो कितने भी महीने लगे, ऐसा नहीं होगा कभी भी कि कोर्स खत्म हो गया बस खत्म हो गया, नहीं, हर एक को प्लेस करना हमारा जो है एक टारगेट है। मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि आप हो गए, बिकॉज जो मैं आज सिनेरियो देखता हूँ कि 4-5 लोग ही आते हैं लाइव लेक्चर करने, मुझे नहीं पता ना कितने लोग जो है रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मुझे वो पता नहीं चलता कितने लोग जो कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं या देख रहे हैं या कितने लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो जितने लोग भी अभी लाइव देखते हैं मुझे लगता है वो डेडिकेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हमारी तरफ से आपको फुल जो है वो, हमारी ऐसा नहीं कि मैं, अगर मैं फाउंडर हूँ तो फिर मेरे तरफ से फुल सपोर्ट है, मेरी पूरी टीम जो है वो आपको हेल्प करेगी, उनका भी यही कहना है, मैं सिर्फ मैसेज आपको पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अपनी जो है डायग्राम निकाल लेते हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट।